सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट फ्लैगशिप और ऑन अल्टीमेटेड स्मार्टफोनों के बारे में। दोस्तों, अगर आप भी एक न्यू फोन बाय करने की सोच रहे हो, अगर आपका बजट 20,000 के आसपास है, तो प्लीज आप हमारी इस वीडियो को जरूर पूरी देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये फोन हमने काफी रिसर्च करके सिलेक्ट किए हैं। इन फोनों के अंदर आपको किसी फीचर को लेकर कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। ये फोन अपनी ब्रांड वैल्यू के हिसाब से, अपने स्पेक्स के हिसाब से, अपनी प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी बेटर वैल्यू फॉर मनी है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट और बात कर लेते हैं फर्स्ट फोन के बारे में, जो कि रहने वाला वीवो की तरफ से वीवो T2 5G। दोस्तों, इस फोन के अंदर भी आपको काफी अच्छी प्रीमियम लुकिंग डिजाइन देखने को मिल जाएगी। फोन के अंदर आपको काफी अच्छा तगड़ा पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा। फोन के अंदर आपको काफी अच्छे फीचर देखने को मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं फोन की डिस्प्ले के बारे में। फोन के अंदर आपको 6.38 इंच की AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 90Hz का रिफ्रेश रेट, 1300 nits की पीक ब्राइटनेस, 84.1% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। बात कर लेते हैं फोन की चिपसेट के बारे में। फोन के अंदर आपको ऑक्टाकोर का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G वाला हाईली पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 6 नैनोमीटर के साथ आता है। एंड्रॉइड वर्जन 13 पर बेस्ड है। फंटोस 13 का एक्सपेन देखने को मिल जाएगा। 128GB प्लस 6GB रैम का बेस वेरिएंट दिया गया है। मेन कैमरा आपको ड्यूअल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा। रियर कैमरा 64MP का विद OIS के साथ, 2MP का डेप्थ, LED फ्लैश देखने को मिलेगी मेन कैमरे के अंदर। मेन कैमरे से आप 1080p वाइड 30fps मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। सेल्फी कैमरा आपको सिंगल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा 16MP का। 3.5mm का जैक फोन के अंदर दिया गया है। USB आपको टाइप सी देखने को मिलेगी 2.0 विद OTC कनेक्ट। फोन के अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। 4500mAh की बैटरी है, जो कि सपोर्ट करेगी 44W फास्ट चार्जिंग को। 25 मिनट में आप इस फोन को 50% ईजिली चार्ज कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं फोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। फोन के अंदर आपको बैक फ्रेम जो है दोनों ही प्लास्टिक के देखने को मिलेंगे। क्लास की प्रोडक्शन डिस्प्ले के अंदर है। 172 ग्राम का वेट है। 7.8mm की थिकनेस है। फाइनली बात कर लेते हैं फोन की प्राइस के बारे में। इस फोन की प्राइस आपको 18,999 रुपीज देखने को मिल जाएंगे। आप फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट फोन के बारे में, जो कि रहने वाला वन प्लस की तरफ से वन प्लस नॉट C3 Lite 5G। दोस्तों, इस फोन के अंदर भी आपको काफी अच्छी प्रीमियम लुकिंग डिजाइन देखने को मिलेगी। फोन के अंदर आपको काफी अच्छा तगड़ा पावरफुल चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जिससे कि फोन के अंदर आप हैवी से हैवी गेमिंग मल्टीटास्किंग इजीली कर पाओगे। बात कर लेते हैं फोन की डिस्प्ले के बारे में। फोन के अंदर आपको 6.72 इंच की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120Hz का रिफ्रेश रेट, 680 nits की पीक ब्राइटनेस, 87.1% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। डिस्प्ले के अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। बात कर लेते हैं फोन के चिपसेट के बारे में। फोन के अंदर आपको ऑक्टाकोर का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G वाला हाईली पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 6 नैनोमीटर के साथ आता है। एंड्रॉइड वर्जन 13 पर बेस्ड है। ऑक्सीजन OS 13.1 का एक्सपेन देखने को मिल जाएगा। 128GB प्लस 8GB रैम का बेस वेरिएंट दिया गया है। UFS 2.2 टाइप की स्टोरेज है। मेन कैमरा आपको ट्रिपल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा। रियर कैमरा 108MP का, 2MP का मैक्रो, 2MP का डेप्थ, LED फ्लैश देखने को मिलेगी मेन कैमरे के अंदर। मेन कैमरे से आप 1080p वाइड 30fps मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। सेल्फी कैमरा आपको सिंगल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा 16MP का। 3.5mm का जैक फोन के अंदर दिया गया है। स्टोरेज स्पीकर के साथ आता है। USB की बात करें तो आपको टाइप सी देखने को मिलेगी 2.0 विद OTC कनेक्ट। फोन के अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। 5000mAh की बैटरी है, जो कि सपोर्ट करेगी 67W फास्ट चार्जिंग को। 30 मिनट में आप इस फोन को 80% इजीली चार्ज कर पाओगे। बात कर लेते हैं फोन के एंटूतु स्कोर के बारे में। इस फोन के अंदर आपको 4 लाख प्लस एंटूतु स्कोर देखना। बात कर लेते हैं फोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। फोन के अंदर आपको बैक फ्रेम दोनों ही प्लास्टिक के देखने को मिल जाएंगे। ग्लास की प्रोटेक्शन डिस्प्ले के अंदर है। 195 ग्राम का वेट है। 8.3mm की थिकनेस है। फाइनली बात कर लेते हैं फोन की प्राइस के बारे में। इस फोन की प्राइस आपको 19,999 रुपीज देखने को मिल जाएंगे। आप फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पर जाकर के चेकआउट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फोन के बारे में, जो कि रहने वाला ओप्पो की तरफ से ओप्पो A78 5G। दोस्तों, इस फोन के अंदर भी आपको काफी अच्छी लुकिंग डिजाइन देखने को मिल जाएगी। फोन के अंदर आपको काफी अच्छे फीचर देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं फोन के डिस्प्ले के बारे में। फोन के अंदर आपको 6.56 इंच की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 90Hz का रिफ्रेश रेट, 600 nits की पीक ब्राइटनेस, 84.0% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। डिस्प्ले के अंदर पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। बात कर लेते हैं फोन की चिपसेट के बारे में। फोन के अंदर आपको ऑक्टाकोर का मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 का हाईली पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 7 नैनोमीटर के साथ आता है। एंड्रॉइड वर्जन 12 पर बेस्ड है।
कलर OS 13 का एक्सपेंस देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं फोन की वेरिएंट के बारे में। ये फोन आपको 128GB प्लस 4GB रैम के बेस वेरिएंट में देखने को मिलेगा। UFS 2.2 टाइप की स्टोरेज है। हैंड कैमरा आपको डुअल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा। रियर कैमरा 50MP का, 2MP का डेप्थ LED फ्लैश देखने को मिलेगी। मेन कैमरे से आप 1080p/30fps मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। सेल्फी कैमरा आपको सिंगल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा 8MP का। 3.5mm का जैक फोन के अंदर दिया गया है। स्टोरेज स्पीकर के साथ आता है। USB की बात करें तो आपको टाइप सी देखने को मिलेगी 2.0 विद OTC कनेक्ट। फोन के अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। 5000mAh की बैटरी है जो कि सपोर्ट करेगी 33W फास्ट चार्जिंग को। 30 मिनट में आप इस फोन को 52% इजीली चार्ज कर पाओ। बात कर लेते हैं फोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। फोन के अंदर आपको 188 ग्राम का वेट देखने को मिलेगा। 8mm की थिकनेस है। फाइनली बात कर लेते हैं फोन की प्राइस के बारे में। इस फोन की प्राइस आपको 18,999 रुपीज देखने को मिल जाएंगे। आप फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पर जाकर के चेकआउट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फोन के बारे में, जो कि रहने वाला है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी A23 5G। दोस्तों इस फोन के अंदर भी आपको काफी अच्छा तगड़ा पावरफुल चिपसेट देखने को मिल जाएगा। फोन के अंदर आपको काफी अच्छी लुकिंग डिजाइन देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं फोन की डिस्प्ले के बारे में। फोन के अंदर आपको 6.6 इंच की PLS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120Hz का रिफ्रेश रेट, 82.5% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। डिस्प्ले के अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। बात कर लेते हैं फोन की चिपसेट के बारे में। फोन के अंदर आपको ऑक्टाकोर का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G वाला हाईली पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 6nm के साथ आता है। एंड्रॉइड वर्जन 12 पर बेस्ड है। अपग्रेड टू एंड्रॉइड 13 देखने को मिलेगा। UI 5 का एक्सपेंस देखने को मिल जाएगा। 64GB प्लस 4GB रैम का बेस वेरिएंट दिया गया है। मेन कैमरा आपको कैट सेटअप के साथ देखने को मिलेगा। रियर कैमरा 50MP का विद OIS के साथ, 5MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का मैक्रो, 2MP का डेप्थ LED फ्लैश देखने को मिलेगी मेन कैमरे के अंदर। मेन कैमरे से आप 1080p/30fps मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। सेल्फी कैमरा आपको सिंगल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा 8MP का। 3.5mm का जैक फोन के अंदर दिया गया है। USB आपको टाइप सी देखने को मिलेगी 2.0। फोन के अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। 5000mAh की बैटरी है जो कि सपोर्ट करेगी 25W फास्ट चार्जिंग को। बात कर लेते हैं फोन की कलर स्क्रीन के बारे में। इस फोन के अंदर आपको काफी अच्छे कलर स्क्रीन देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट कलर जो देखने को मिलेगा ब्लैक, सेकंड व्हाइट, थर्ड जो मिलेगा पीच और फोर्थ जो मिलने वाला है ब्लू। बात कर लेते हैं फोन के एंटीटू स्कोर के बारे में। इस फोन का एंटीटू स्कोर आपको 3 लाख प्लस अराउंड देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं फोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। फोन के अंदर आपको बैक फ्रेम दोनों ही प्लास्टिक के देखने को मिलेंगे। डिस्प्ले के अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। 197 ग्राम का वेट है। 8.4mm की थिकनेस है। फाइनली बात कर लेते हैं फोन की प्राइस के बारे में। इस फोन की प्राइस आपको 19,999 रुपीज देखने को मिल जाएंगे। आप फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पर जाकर के चेकआउट कर सकते हो और अपनी नीड एंड प्योरिटी के हिसाब से इस फोन को भी कंसीडर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं लास्ट फोन के बारे में, जो कि रहने वाला लावा की तरफ से, लावा अग्नि 2 5G। दोस्तों इस फोन के अंदर भी आपको काफी अच्छी लुकिंग डिजाइन देखने को मिल जाएगी। फोन के अंदर आपको काफी अच्छे फीचर देखने को मिलेंगे। फोन के अंदर आपको काफी अच्छा तगड़ा पावरफुल चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जिससे कि फोन के अंदर आप हैवी से हैवी गेमिंग, मल्टीटास्किंग इजीली कर पाओगे, हार्डवर्क इजीली कर पाओगे। बात कर लेते हैं फोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं फोन की डिस्प्ले के बारे में। फोन के अंदर आपको 6.78 इंच की AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि 1 billion कलर के साथ आती है। 120Hz का रिफ्रेश रेट है। HDR10+ की सपोर्ट है। 950 nits की पीक ब्राइटनेस, 90.5% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। बात कर लेते हैं फोन की चिपसेट के बारे में। फोन के अंदर आपको ऑक्टाकोर का मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 का हाईली पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 6nm के साथ आता है। एंड्रॉइड वर्जन 13 पर बेस्ड है। 256GB प्लस 8GB रैम का बेस वेरिएंट दिया गया है। मेन कैमरा आपको कैट सेटअप के साथ देखने को मिलेगा। रियर कैमरा 50MP का, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का मैक्रो, 2MP का डेप्थ, ड्यूल LED फ्लैश देखने को मिलेगी मेन कैमरे के अंदर। मेन कैमरे से आप 4K/30fps मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। सेल्फी कैमरा आपको सिंगल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा 16MP का। 3.5mm का जैक फोन के अंदर नहीं दिया गया है। USB की बात करें तो आपको टाइप सी देखने को मिलेगी 2.0 विद OTC कनेक्ट। फोन के अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। 4700mAh की बैटरी जो कि सपोर्ट करेगी 66W फास्ट चार्जिंग को। 16 मिनट में आप इस फोन को 50% इजीली चार्ज कर पाओगे।
अब बात कर लेते हैं फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। फ़ोन के अंदर आपको 210 ग्राम का वेट देखने को मिलेगा, 8.8 mm की थिकनेस है। फाइनली बात कर लेते हैं फ़ोन की प्राइस के बारे में। इस फ़ोन की प्राइस आपको 21,999 रुपीज़ देखने को मिल जाएंगे। आप फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पर जाकर के चेकआउट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो और इन फ़ोनों में से जो भी फ़ोन आपको ज़्यादा बेस्ट लगा हो उस फ़ोन को आप अपनी नीड एंड ब्यूटी के हिसाब से कंसीडर कर सकते हो। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और थोड़ा सा